बहुत है। ताल इस तरफ आ जा। Kill!
मेरा नाम दुर्गा राव है। जापनीज मार्शल आर्ट का मैं फोर्थ ब्लैक बेल्ट। बहुत सारा लोग कहते हैं कि कराटे या कोई भी मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स है, मगर मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स नहीं है। इसको स्पोर्ट्स समझ कर ना सीखे, एक सेल्फ डिफेंस भी ना सीखे। सीखना तो कहीं भी 5 वर्ष 6 वर्ष मेहनत करिए, कड़ा मेहनत करिए, सीखिए और बढ़िया से सीखिए। मास्टर कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, मास्टर का अलावा जो सीखने वाला अच्छा बुरा होता है। यदि आप बुरा मास्टर का पास भी या ख़राब मास्टर का पास भी अच्छा से मन से सीखिएगा तो चैम्पियन बन जाएगी। चैम्पियन खुद बनता है, कोई मास्टर नहीं बना सकता है। इसीलिए आप लोग से जितनी भी मार्शल आर्ट सीखने वाले, चाहे कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, जूडो, जितनी भी कलारी पैट, जो कुछ भी सीख रहे अच्छा से सीखे, अपना जो कुछ भी मन लगा के सीखिए, बात ख़त्म। और सीधा माने दिमाग लगाइए, उसमें कोई भी लापरवाही, कोई भी तुम्हारा कमजोरी जैसे पढ़ाई है लिखाई है ये नहीं है, पेट दर्द है, सर दर्द है, वो सब छोड़ देना। सीधा मन लगा के सीखना तो सीखो, छोड़ दो। कोई बोलता है ये स्पोर्ट्स है, ये फलाना है, ढींगा है, ये है, कुछ नहीं है। और ना ही ये ओलंपिक का कोई हिस्सा बनना चाहिए। मेरा मानना, दुर्गा राव मार्शल आर्ट एसोसिएशन, स्टार मार्शल आर्ट एसोसिएशन का हम चीफ इंस्ट्रक्टर है, मेरा मानना है कि ये ओलंपिक में नहीं जाना चाहिए। ओलंपिक में बाकी है जैसे बॉक्सिंग है, कराटे, जूडो है, हॉकी है, अन्य खेल भी जो जा सकता है, पर कराटे को नहीं जाना चाहिए। कराटे का आर्ट है, आर्ट रहने दीजिए, उसको खूबसूरती बना रहे। सभी ऑल इंडिया जो अभी मेरा वीडियो ये सुन रहा है, देख रहा है, तो हम लोग से रिक्वेस्ट करेंगे आर्ट को ऊपर ध्यान दीजिए, स्पोर्ट्स नहीं है। ये जीवन का हिस्सा बनाइए, ये एक स्पोर्ट्स बना के तो चैप्टर मत बनाइए कि एक पार्ट है। इसीलिए आप सभी इंस्ट्रक्टर लोग से मेरा रिक्वेस्ट है वो से कि आप लोग इसको स्पोर्ट्स मत बनाइए।